हेलो फ्रेंड्स, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज का जो उपाय है वो किसी भी रविवार पर हम कर सकते हैं, लेकिन ये उपाय रविवार को ही करना है। 4 या 5 रविवार में आपकी मनोकामना पूर्ण ज़रूर हो जाती है। सबसे पहला उपाय है कि अगर किसी को बीमारी ने घेर लिया है, बीमारी जा नहीं रही है, बहुत इलाज करवा लिया है लेकिन बहुत ही खतरनाक बीमारी हो गई है, जाने का नाम ही नहीं ले रही है और बहुत ज़्यादा डॉक्टर को भी दिखा लिया है, उसके लिए हमें करना ये है, एक पात्र में जल लेना है और सूर्यदेव को जल चढ़ाना है। लेकिन जल के पात्र में जो जल लिया है उसमें हमें काली मिर्च, एक काली मिर्च से रोज़ सूर्यदेव को अर्घ देना है। जल में काली मिर्च मिलाकर बहुत जल्द आपकी बीमारी दूर हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएंगे। इसमें स्वास्थ्य में लाभ मिलता है सूर्यदेव को अर्घ देने से काली मिर्च का। उसके बाद में सेकेंड नंबर पर आता है जिसकी शादी में बाधा आ रही हो या शादी हो नहीं रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है या लेट हो गई है शादी में, उसके लिए उपाय ये है कि तांबे के पात्र में जो हम सूर्यदेव को जल चढ़ाएंगे उसमें हम थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी मिलाकर डेली चढ़ाएंगे, या रविवार रविवार को ही चढ़ाएंगे, लेकिन रविवार 4 से 5 या जितने भी जब तक काम ना हो तब तक हम हर रविवार को हल्दी मिलाकर जल सूर्यदेव को अर्घ करेंगे। उसके बाद में आता है यदि किसी की नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी में बाधा आ रही है, तैयारी है पर जॉब लगने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अटकने आ ही रही है, उसके लिए हमें करना ये है कि सूर्यदेव को जो हम जल चढ़ाएंगे तांबे के पात्र में जो जल लेंगे अर्घ देने के लिए, उसमें हम 11 या 21 लाल मिर्च के दाने उसमें डाल के सूर्यदेव को जल चढ़ाएंगे। लाल मिर्च के दाने डालने से और सूर्यदेव को जल देने से बहुत जल्द नौकरी के आसार बनते हैं, जो भी समस्या आ रही होती है वो सब खत्म हो जाती है। तो आपको मैंने इस एक ही वीडियो में 3-3 उपाय बताए हैं, नौकरी के लिए बताया है, शादी के लिए भी बताया है, बीमारी दूर करने के लिए भी बताया है, लेकिन एक चीज़ के लिए आप एक ही उपाय कर सकते हैं, तीनों चीज़ एक साथ नहीं डाल सकते, ध्यान रहे, और रविवार को ही करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।